संक्रांति के उपलक्ष्य में शहर के लोटस कल्चर क्लब की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया था। संक्रांत म्हणजे हा थंडीचा मौसम असतो आणि या सीझनमध्ये एक भोगीची भाजी बनते आणि भोगीची खिचडी की ज्या ज्या भाज्या उपलब्ध असतात एक प्रकारे उत्सव असतो आणि त्या भाज्यांची ही खिचडी तयार होते आणि संक्रांतीला पतंगही उडवतात आणि ह्या खिचडीचासुद्धा एक आनंद घेतात। आणि पहिल्यांदा असं होत आहे की दयाशंकर तिवारीजी यांच्या नेतृत्वात ही सगळी खिचडी आम्ही बनवली आणि एकाच वेळी लोक पतंगही उडवतात खिचडी पण खातात आणि मजा येते। खिचडी ही जवळपास पहिले 1100 किलोचा संकल्प होता पण ही जवळपास 2500 किलो खिचडी झाली आणि सगळ्या भाज्या, भाज्यांमध्ये गाजर आहे, फ्लॉवर आहे, त्याच्यानंतर मटार आहेत, कांदा आहे, आलं आहे, लसूण आहे, मेथी आहे आणि याचबरोबर तांदूळ आहे, 3 प्रकारच्या डाळी आहेत, मुगाची डाळ आहे, त्यानंतर हळद, तिखट, धनेजिरे पावडर, गरम मसाला, 2 डबे तूप आहे, साजूक तूप, 3 डबे तेल आहे, काजू आहे, किसमिस आहे, मीठ आहे, साखर आहे आणि सगळ्यांचं प्रेम आणि वात्सल्य आहे। संक्रांतीनिमित्त हेच सांगेन की बाबा या मांजा जो असतो कुठला नायलॉन मांजा तो वापरू नका, पतंगीचा आनंद घ्या आणि एकाच वेळी सामूहिकरित्या पतंग उडवणे, खाणे, पिणे ह्याचा जी मजा असते तो आनंद तुम्ही साजरा करा। श्री विष्णु मनोहर जी ये विश्वविख्यात सेफ है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर 1100 किलो खिचड़ी, मसाला खिचड़ी का प्रकल्प किया गया, यह बढ़कर के 2100 किलो से ज़्यादा का हो गया। एक मकर संक्रांति के वातावरण में सब लोग एकत्रित होकर के उत्सव मनाएं, ये टीवी ने, मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने लोगों को दूर भगा दिया है। इस त्यौहार के बहाने पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ आकर के, सब उम्र के लोग एक साथ एकत्रित होकर के पुराने सामाजिक वातावरण सौहार्द को फिर से उत्पन्न कर सके, ऐसी संकल्पना थी। और ये देख के खुशी हो रही है कि हम जिस संकल्पना से इसको साकार किए, केवल खिचड़ी में ही आनंद नहीं है, खिचड़ी के साथ साथ खिचड़ी खाने वालों के चेहरे पर भी एक खुशी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मोहल्ले में रहने के बाद 5-5 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं और उसका कारण बता रहे कि चलो आज खिचड़ी के बहाने मिल लिया। महिलाओं ने भी यहाँ पतंग उड़ाया, पुरुषों ने भी पतंग उड़ाया, इसके साथ साथ पतंग उत्सव भी यहाँ पर बहुत अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। मैं विष्णु भैया का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा, उनके हाथ में यह यश पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार को कायम रखे और उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, ऐसी मैं माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।